Woohoo, guys, welcome back to one more video आपके अपने गेमिंग चैनल पे जिसका नाम है मलम द गेमर मैन। ओके गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी। ये जो आरजी हमने पिछले वीडियो में गरुड़ा पकड़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जाके देखिए। आई नो मुझे अभी इस वीडियो के बारे में बात करनी चाहिए, पिछले वीडियो के बारे में नहीं, लेकिन गाइस जाकर देखिए, हाईली रिकमेंड। क्या है मतलब ये चीज, इंडीड इसका ये कलर नहीं था, हमने ये कलर रखा है। ये कलर का नाम ही है रॉयल्टी कलर, मतलब कि आर्क में से रॉयल्टी कहते हैं डाई में। और आई थिंक कोई आ गया, ये रैक्स क्यों भाग रहा है? ओ कोई है, अटैक म्यूजिक भी बज रहा है, मैंने म्यूजिक सुना ही नहीं। ओके तो कौन है? होप कि रैप्टर ना हो वरना सब आ जाएंगे बाहर। ओ डीलो, अरे हट जा, मुझे तो मारने दे, वो सिर्फ अपना स्पेशल अटैक ही कर रहा था रैक्स, सिर्फ डरा रहा था, नहीं मारना नहीं है मुझे डीलो को, मैं सिर्फ डराऊंगा। साहो बी, जी हाँ गाइस, ये रैक्स हमने पब्लिक डिमांड पे, मतलब कि एक हमारे अजीज व्यूअर ने कहा था कि भाई रैक्स पकड़ो, तो हमने पकड़ा था। तो ये साहो बी हमने वहाँ से लिया है, और आर जी हमने पिछले एपिसोड में लिया। और ये देखो गाइस, ये है थेरिजिनोसॉरस। इसका वीडियो हम बाद में रख देंगे, ये वीडियो नॉट फॉर टुडे ब्रो, लेकिन हमें इसका काम है ये जगह खाली करने के लिए। गाइस हमने बेसिकली आर जी लिया नंबर वन क्योंकि हमें गरुड़ा बहुत पसंद है, नंबर टू क्योंकि वो टेमिंग में काफ़ी हेल्प करता है। हमारा टेरानोडॉन हार्ली क्वीन कितनी भी तारीफ कर ले, वो ज़्यादा हैवी एनिमल्स को नहीं उठा सकता। और अभी हम जिस लेवल पे है तो हमारा नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आरजी था, ताकि हम यहाँ पे ऐसे टेमिंग पिन बना सके और हर एक एनिमल्स को, हर एक डायनोस को उठा उठा के इसमें रख सके, विच विल बी वेरी इजी। क्योंकि अभी जो कार्निवोरस है, हम जहाँ से एनिमल्स ला रहे हैं वहाँ पे कार्निवोरस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बेल्जबूफो में हुआ था, तो बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को मार देते या तो फिर वो हमें मार देते जो हम टेम करने जा रहे होते। तो अगर वैसा ना हो उसके लिए ये मैंने बनाया है। ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने इसमें 3x3 की नीचे स्टोन फाउंडेशन रखी है और फाइव लेयर्स ऑफ स्टोन वॉल। इट्स अ लिटिल बिट टंग ट्विस्टेड टुडे। तो मैंने यहाँ पे रैंप लगाया था कि अगर कोई हम पैदल लेके आए उसको, वो हमको फॉलो कर रहा हो तो रैंप पे से चल के इसके अंदर फंस जाए तो ट्रैप हो जाए, लेकिन फिर वो नहीं किया क्योंकि वैसे भी 5 मंजिल ऊपर, मतलब कि 5 वॉल ऊपर से रैंप कहाँ से लाते। ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था, और वैसे भी यहाँ तक आएगा तो हमारे डायनोसॉर्स को, जैसे कि साहो भी है, हमारा लैला है रैप्टर जो कि म्यूटेशंस वाला इम्प्रिंटेड है, हमारा बेल्ज़ेबूफो इम्प्रिंटेड है, तो वो लोग आराम से मार देंगे। तो मैंने ये ऐसे इस तरह से बनाया है कि ये जो साइड वाला जो हमारा था ब्रीडिंग एरिया, वहाँ से सीलिंग बाहर निकालिए एक लेयर, और यहाँ बीच में हमने पिलर रख दिया है ये दूसरे के सपोर्ट में, और यहाँ पे सीलिंग रख दी है पूरी की पूरी, ताकि हम यहाँ से वहाँ तक जा सके इजीली। लेकिन ये एक लेवल ऊपर था ब्रीडिंग पिन और वो एक लेवल नीचे था, तो हमने बीच में ऐसा बनाया। आई नो कि ये परफेक्ट नहीं बनाया, आई एम नॉट दैट गुड एट बिल्डिंग थिंग्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। इसका मेन काम तो यही है ना कि हम यहाँ से इस सीलिंग से उस सीलिंग तक पहुँचे। तो हम यहाँ पे अंदर डाइनो रखेंगे, ऊपर से आरजी से यहाँ के अंदर ला के ड्रॉप कर देंगे, और वो जो ऊपर सीलिंग है चारों तरफ, मतलब कि तीनों तरफ, वहाँ खड़े खड़े हम ट्रैंक एरो या फिर ट्रैंक डार्ट से उससे अनकॉन्शियस करेंगे, अनकॉन्शियस हो जाए तो हम नीचे उतर के उसको टेम कर देंगे। एंड वंस टेम वी ओपन द गेट्स ऑफ द हेवन, तो हम ये गेट खोल के उसको बाहर ला देंगे। तो ये बेसिक आइडिया है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, मैंने ये फर्स्ट टाइम आरजी से किसी को उठाया तो हम बैठ रहे, तो उसका भी एक रीज़न है। एक तो नंबर वन ये कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो पहली बार मैं ठेंग से गिरा नहीं, दूसरी ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, वी विल ट्राई अगेन। देखो गाइस, अगर आप वाइल्ड डाइनोस ला रहे हो और अगर ऐसा इज्जत का फालूदा हो गया तो या तो वो आपके डाइनोस को मारने लगेगा या तो भाग जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है, इसीलिए प्रैक्टिस करना है। ये देखो गाइस, गरुड़ा अंदर बैठ गया, मैं अंदर आ गया, लेकिन नहीं, बेल्ज़ेबूफो को आना ही नहीं है, तो बहुत हुआ गाइस, मैं इसको अंदर फेंक दूंगा। अंदर जा, परफेक्ट।
तो हाँ गाइस, मैं बता रहा था कि उसको इधर आने का एक रीजन है क्योंकि ये लिख करके सबसे ज्यादा टॉर्पर करता है, और अभी यही है हमारे पास जो सबसे ज्यादा टॉर्पर कर पाए। स्कॉर्पियन की उतनी हेल्थ नहीं है, स्कॉर्पियन से ज्यादा अच्छा ये 2000 की हेल्थ है। हमारा जो बेल्जीबू को है, जो इम्प्रिंटेड वाला, उसकी हेल्थ अराउंड 5000 है, लेकिन वो मारने पे आता है तो किसी की नहीं सुनता, वो मार डालता है। मतलब कि मैं उसको लेके गया था, वो रेक्स को मार देता है आराम से। मतलब कि अकेला एक, मतलब कि फ्रॉग आके पूरे रैक्स को मार देता है। एक बेइज्जती फ्रॉग रैक्स की नहीं है वो, हमारा है इतना पावरफुल। एक तो सुपर फर्टिलाइज्ड एग में से निकला है वो, ऊपर से हमने उसको कलर किया तो पोटेंट डस्ट उसने खा ली तो और लेवल बढ़ गए। तो देखो गाइस, मैं गरुड़ा को लेने के लिए हार्ली क्वीन से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सीढ़ियाँ नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, तो हमने चेक कर लिया कि ये शुरू है हमारे जनरेटर्स, और वो बंद नहीं होने चाहिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे हमारे रेफ्रिजरेटर बंद हो जाते। हम ब्रॉन्टो को एक बार ऐसे ही मार रहे थे, मतलब कि चलो ब्रॉन्टो मारते, पास में आ गया था तो उसने हमारा जनरेटर तोड़ दिया था। हमको बहुत देर बाद पता चला, लेकिन तब तक हमारा प्राइमेट बिगड़ चुका था। तो वो गलती दोबारा नहीं करनी है, और उसका आवाज़ भी ज़्यादा आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके आजू बाजू छोटा सा रूम जैसा बना दूँ, तो कि उसके रूम में उसकी आवाज़ आए, तो हम वो ऊपर छत पे खड़े हो, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत खड़े रहेंगे टेमिंग करने के लिए, तो वो पूरा सेक्शन अलग हो जाए इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो टेमिंग में दिक्कत ना हो। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये जो पेन थी, टेमिंग पैन, मैंने उसको नाम दिया है टेमिंग पैन, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेड, बट इट इज बेसिकली अ ट्रैप। अरे रुकना नहीं है, उड़ जा भाई, रैप्टर आ रहा है। ओके, हमें रैप्टर नहीं चाहिए। इट इज बेसिकली अ ट्रैप टू ट्रैप डाउन डाइनोस एंड टेम, ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे आरजी लेके निकले हैं कि हम किसको पकड़े। करंटली वी आर नॉट श्योर। रैप्टर को देख के ऐसा लगा था कुछ देर के लिए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे रैप्टर्स है, प्लस हमारे पास जो अभी एक रैप्टर है गाइस। हाँ, मैं ऑफलाइन में म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाता हूँ, तो हमारे पास एक मेल है जो म्यूटेशन वाला है। मेल ये क्या था? अच्छा था, नहीं रैप्टर। तो हमारे पास म्यूटेशन वाला है मेल, और फीमेल तो है ही, जो लैला वो भी इम्प्रिंटेड है, वो भी सुपर फर्टिलाइज्ड एग वाली है, तो दोनों म्यूटेशन वाले। तो देखते हैं अब उनका कोई अच्छा म्यूटेशन आना चाहिए, हेल्थ में और उन सब में कलर में आता है, उसका क्या करेंगे। और वैसे भी हमारे लिए म्यूटेशन कोई काम का नहीं, क्योंकि सुपर फर्टिलाइज्ड एग और कलर करेंगे तो बेसिक म्यूटेशन से वो तो हम लेवल अप करके भी ला देते हैं। तो कुछ अच्छा सा म्यूटेशन में कुछ फ़ायदे वाला हो, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और गाइस देखो, मैंने बहुत ढूंढा, कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो लोकेशन है वहाँ पे मुझे अल्फा रैप्टर मिला। तो हम पहले देखेंगे कि घर कहाँ पे है। हाँ गाइस, मुझे लोकेशन में, डायरेक्शन में ऐसा होता है, मैं भूल जाता हूँ डायरेक्शन। पिछली बार हार्ली क्वीन को भूल गया था तो रिक्वेस्ट करानी पड़ी थी, वो तो अच्छा है कि उस पर किसी ने अटैक नहीं किया था। और ये ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? वेट, नहीं पक्का मैंने उसको बराबर पकड़ा था। ये देखो देखो, परफेक्ट, उसके पास जाके ही मैंने स्वाइप अप किया, लेकिन आई थिंक हम अल्फा रैप्टर्स को नहीं पकड़ सकते। व्हाट, ऐसे थोड़ी होता है। तो अल्फा रैप्टर को टेम कैसे करने का फिर, क्योंकि उसके आजू बाजू उसके चमचे रैप्टर्स भी होते हैं। तो थोड़ा आगे नहीं है, हाँ नॉट सेफ, वहाँ एक कार्नो भी था, तो हम वहाँ से निकल लिए। सम अदर डे, बड़ी सम अदर डे, आई नो ये तीसरी बार हमें अल्फा रैप्टर दिखा, हम जाने दे रहे। लेकिन मुझे नहीं पता उनको कैसे टेम करते, मुझे कुछ भी नहीं पता अल्फा रैप्टर्स के बारे में, अल्फा एक भी क्रिएचर्स के बारे में। तो हम ने यहाँ पे एक इक्वेस का साउंड सुना था, तो हम उसे ढूंढ रहे थे। ओ ये हाँ, तो गाइस बहुत ढूंढा मैंने यहाँ पे, लेकिन बाद में मुझे आखिरकार इक्वेस मिल गया। तो ये देखो, इजीली इक्विज को उठा लिया। गैस मुझे लगा था कि हम इक्विज को उठाएंगे तो वो मारेगा, मतलब कि छूटने की ट्राई करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और मुझे एक डर ये था कि अगर ये छूट गया आज से तो फिर आएगा नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। जी हाँ गैस, इक्विज और मोबाइल में तो और एक्सक्लूसिव फीचर्स है उसके, बाद में बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसी वालों को फायदे है, मोबाइल में बहुत सारे फायदे जो पीसी में कभी नहीं मिलते, जैसे कि एक्सक्लूसिव केबल्स, पेनोरामोंस, फिर ग्रिफिट डेम एट लेवल 45। तो आई कैन नॉट टेक एनी चांस कि अगर ये बाहर गिर गया तो वो भाग जाएगा, तो हम
ओके ओके गाइस, पहले ट्राई में ये अंदर आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो हमने सबसे पहले बेल्जेबूफो को पैसिव कर दिया, हमने उसे अटैक टारगेट पे रखा था, लेकिन अभी ये पैसिव टेम है। हाँ गाइस, 21 एक पैसिव टेम है और हमारे पास 21 आ गया, तो हम आज 21 टेम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस प्लीज, आई हाईली सजेस्ट यू, हाईली रिकमेंड यू, हाईली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऐसे हिम्मत मिलती रहेगी यार, आसान थोड़ी है, मतलब डायनासोर्स के बीच में अकेला घूमना, इतना सारा चीज़ें करना, मतलब अब मैं देखो घोड़ा पकड़ने वाला हूँ, इजी नहीं है, मतलब कि जंगली घोड़े को वश में लाना वो, और हम उसको पकड़ के लेके आए तो ऑलरेडी वो एंग्री है। ये देखो इससे बड़ा बुद्धू क्या है, मतलब कि गरुड़ा को ऊपर रखे नीचे कूद गया। ओके गाइस, तो उसको कैरेट चाहिए होते हैं। जी हाँ, रॉक कैरेट, वो गाजर। तू यहाँ कब से उग गया भाई? ये मेरा, ये पिन है मेरी, टेमिंग पैन पैन, ओके सॉरी। तो गाइस उसको हॉट बार पे रखना है कैरेट को, और उसके ऊपर सिंपली बैठ जाना है। ये देखो मैं उतर गया तो 20% टेमिंग इफेक्टिवनेस कम हो गई। उतरना नहीं है, ये बहुत हार्ड होता है वैसे तो, मैंने पहले किया था, बहुत बहुत दिक्कत होती है। यू डोंट हैव टू ब्लिंक एन आई, मतलब कि आपको उसके ऊपर, उसके पास जाके उसके ऊपर बैठ जाना है, तो वो भागता रहेगा भागता रहेगा, और गाइस ऊपर देखते रहना है, जैसे कि वो 21 जो नाम लिखा है उसके नीचे लिखा हुआ है वेट अंटिल इट्स हंग्री अगेन, तो वहाँ पे देखता रहना है। जैसे ही वहाँ पे लिखा हो फीड रॉक कैरेट, तो सीधा रॉक कैरेट पे क्लिक करना है, तो वो खा लेगा। जैसे ही आप बैठोगे तुरंत आएगा, तुरंत ये देखो ये आ गया, जैसे ही बैठोगे तुरंत आएगा, पहले रॉक कैरेट खिला देना है, फिर वो उतने एरिया में गोल गोल घूमता रहेगा और ऐसे भागता रहेगा कूदता रहेगा, और जैसे ही वहाँ पे आपको देखते रहना है, वहीं देखते रहना है, मतलब कि ब्लिंक भी नहीं करना है। जैसे ही वेट अंटिल लिखा है उसके बदले फीड आए, तुरंत पूरा लाइन पढ़ने भी नहीं जाना, जैसे ही फीड है तुरंत गाजर पे उंगली दबा देनी है। जी हाँ गाइस, क्योंकि अगर आपने वो फीड आया और अगर आपने उसको नहीं खिलाया तो वो आपको उतर के फेंक देगा, और फिर वो आपको किक करेगा। ये देखो हमने आया तुरंत खिला दिया, और उसकी जो किक होती है बहुत पावरफुल होती है। टॉर्पर में हमारे पास जो बेल्ज़ेबूफो है अभी टॉर्पर के लिए, हमें उसको साइड में रखा है, उससे भी ज़्यादा, जी हाँ उससे भी ज़्यादा उसका बेस टॉर्पर हो पिछली किक से, और वो पिछली किक ही मारेगा आपको गारंटी। तो आप जैसे उतरोगे तो उतरते टाइम ही मुंह पे सीधी पिछली किक आएगी, जिन्होंने खाई होगी उनको पता होगा कि घोड़े की लात क्या होती है, मतलब कि जिंदा नहीं बचते इंसान, तो कैसे खाई होगी, लेकिन आपने सुना होगा। जी हाँ ओके गाइज, तो हम उसे खिलाते रहेंगे, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो हम करते जाएंगे, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जानने के लिए देखते रहे हमारे साथ मैलम की ये गेमिंग पाठशाला। ओके गाइस, तो हम बहुत बहुत वेट किया हमने, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता था, और हम गिर भी जाते थे, तो मुझे वो टेक्निक से नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, मुझे देखना था कि किबल में कितना होता है, क्योंकि उसमें तो बहुत कम हो रहा है और टेमिंग इफेक्टिवनेस भी कम हो गई, तो मैं किबल बना के लेके आया। तो इसको डीलो किबल चाहिए गाइस, डीलो केबल आपको रेसिपी मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूरी की पूरी रेसिपी लिख के दे दूंगा, और वो भी बता दूंगा कैसे बनाना है। ओके गाइस, तो हमने डीलो देखा, हमारे पास अब केबल आ गया, तो ऊपर लिख के आ गया फीड डीलो एक केबल। तो हमने इतने केबल तो लिए 15 जितने, लेकिन हमने कैरेट भी ले लिए बहुत सारे, ताकि अगर ये केबल में ना हो तो कैरेट में। और गाइस देखिए, 66% इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गई। आई नो 70 लेवल का मेले, 816 उसकी हेल्थ है, तो लेवल डजन मैटर नाउ, ये अच्छा एक लेवल है, और हमारे साथ रहकर वैसे भी उसका लेवल फिर बढ़ता ही जाने वाला है, हम उसको लेके घूमेंगे हंटिंग करेंगे। देखो ये देखो गाइस, थोड़ा मैंने लेट किया, नहीं मैंने 2 बार शायद खिला दिया उसको, तो उसने उठा के फेंक दिया हमें, तो 66 से डायरेक्ट हो गया उसका 49.9। देखो गाइस ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये मेरे को नहीं करना है ऐसे। अरे बेल्जी बूफो गाइस, मैंने ये बेल्जी बूफो का नया यूज़, हमारे फ्रॉक का नया यूज़ ढूंढ निकाला है, मतलब कि हमारे टेमिंग पिन में से बाहर आना हो हमें, तो हम ऐसे बाहर आ सकते, और कोई कोई भी ऐसे बाहर नहीं आ सकता, तो ये हम ऐसे बाहर आ सकते, ये तो ये ऐसे नहीं मानने वाला, तो हम उसको नॉकआउट टेम करेंगे, उसको मारेंगे, उसको अनकॉन्शियस कर देंगे, क्योंकि ये सूदिंग बाम भी नहीं खा रहा यार।
इन्वेंटरी भी नहीं खुल रही है, सूदिंग बाम कैसे खाएगा? तो उसको नॉकआउट टेम करेंगे, नॉकआउट टेम यानी कि वायलेंट टेम। गांधी जी से नहीं हो रहा काम तो सुभाष चंद्र बोस वाली टेक्निक अपनाएंगे, उसको हम नॉकआउट करेंगे फिर उसको खिलाएंगे। तो मैं मारे जा रहा हूँ डार्ट्स, आई होप कि वो मर ना जाए। एक और डार्ट मार के देखते हेल्थ कितनी है, टॉर्पर कितना हो रहा है उसका। ओके तो हमने स्पाई ग्लास अंदर रख दिया था, तो हम देखते कितना हो रहा है। आई थिंक इट शुड बी लाइक 20% है। तो कहाँ गया भाई, कहाँ है ये यार? स्पाई ग्लास में ये बहुत दिक्कत होती है मुझे। हाँ हो रहा हो रहा, क्या रियली रियली इक्वस सिर्फ और सिर्फ 0%, मतलब कि 1% भी टेम नहीं हुआ। क्या टॉर्पर इम्यून है क्या तू? आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस हम कुछ करेंगे ये, अच्छा ओके, स्लिंग शॉट में हमने इनफाइनाइट एमो ऑन रखा था इसलिए 0 है 0 था। गाइस ये ग्लिच है, अगर आपने गॉड कंसोल यूज़ करें इनफाइनाइट एमो ऑन रखा है और तब एमो 0 है तो 0 का इन्फिनिटी यानी कि 0 ही रहेगा। 1 का इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी, मतलब कि वो 1 है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर 0 रखा है तो 0 कभी ख़त्म नहीं होगा, तो लोड नहीं होगा। मैंने पहले भी ये बताया गाइज, ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको जाननी है तो सारे वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लेट्स आर्क की पूरी प्लेलिस्ट रखी, और गॉड कंसोल एंशिएंट एम्बर कैसे लेना है अगर आपको अभी भी नहीं पता, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे भी शायद डाल दूंगा। और हमारे चैनल का वो सबसे पहला वीडियो है तो उसे ज़रूर देखें, हाउ टू गेट गॉड कंसोल एंड एंशिएंट एम्बर फॉर फ्री। जी हाँ गाइस, अनलिमिटेड सब कुछ, मतलब पूरी स्टोर में से आप सब कुछ खरीद सकते हो, इंक्लूडिंग टैक बेस पूरा का पूरा। और क्या चाहिए क्रिएचर के लिए, सब कुछ। तो हमने नॉकआउट भी ट्राई किया, पैसिव भी ट्राई किया, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा है। ओके तो हमने सोचा कि हम थोड़े देर बाहर जाके घूम के आते तो उसका टाइमिंग 0 हो जाएगा, फिर शुरू से शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, हाँ उसकी ऑफिशियल साइट पे पढ़ा था, आर्क की साइट पे, कि अगर एक रेडियस से बाहर चले जाओ तुम इक्वेस के तो उसका वो पूरा पहले से शुरू होता है टेमिंग। और नहीं वो नहीं पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि अगर वो एक बार अनकॉन्शियस हो जाएगा तो उसका टेमिंग इफेक्टिवनेस 100 से शुरू होगा, मतलब कि एक बार वो बेहोश हो गया और फिर उसका टेमिंग 100 हो जाएगा। तो आई थिंक कि वो नॉकआउट टेम के लिए ही है, लेकिन वो नॉकआउट नहीं हो रहा था तो उसका भी हमने जुगाड़ लगा दिया कि टेमिंग शुरू हो तब आप उसको खिला रहे हो तब नॉकआउट नहीं होता। हमारे साथ ऐसा पहले भी हुआ था आई थिंक इसी सीरीज़ में, कि हम मॉस्टोप को एक बार गलती से बैरी खिला दी थी, फिर उसको बहुत मारा लेकिन मरा ही नहीं, वो उसकी हेल्थ कम नहीं हुई। ये देखो गाइस, तो टेमिंग अगर शुरू है तो उसको आप डैमेज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बस इतना। तो हम सो गए, फिर उठे, फिर सो गए, फिर उठे, तो 4 घंटे का टाइम लैप्स होता है तो 8 आवर्स हो गए। तो हमने 8 आवर्स इसको कुछ नहीं दिया तो उसका टेमिंग 0 हो गया, ठीक है? तो टेमिंग 0 हो गया मतलब कि टेमिंग नहीं हो रहा है। जब टेमिंग हो नहीं रहा है तो मतलब कि ये वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव करेगा। केस सॉल्व। कभी कभी तो लगता है कि अपुनिज भी उनके पक्षी है। तो ये अब वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव करेगा, इट इज इजी नाउ। अब उसको सिर्फ डार्ट मारने अनकॉन्शियस करना है, फिर उसकी इन्वेंटरी खोल के सूथिंग बाम डाल देना है, कीबल डाल देने है, एक खा तू खा, फिर मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे नहीं होता है हमारा। आज तो तुझे डैम करके ही जाना है। कुछ भी हो जाए सजना, तुझको मैं टेम करना। गाइज आपने अगर नोटिस किया हो तो हमारे थोड़ी बहुत एमिंग प्रैक्टिस हो रही है। ये नहीं यार, मशाल से नहीं देखते किसी का स्टेटस। अग्नि को साक्षी रख कर तो मुझे अपना टेमिंग बता कितना हुआ, ऐसे नहीं बता। ओह वाओ, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसे भी हो जाएगा बट कोई रिस्क नहीं लेने का। 2 डार्ट ही तो जा रहे हैं हमारे, तो डार्ट भी नहीं जा रहे, मतलब वाह। तो ये एग्जैक्ट 2 टार्ट्स में हो गया। उसके इन्वेंटरी कहाँ है भाई इसकी? डोंट टेल मी माई लाइफ वॉज अ लाई।
ये देखो गाइस, इसकी इन्वेंटरी खुल नहीं रही है। और मर तू मर, नहीं मरना नहीं है तेरे को, टेम करना है। आधी हेल्थ हो गई, इसकी इन्वेंटरी खुल नहीं रही। और बाहर से अगर हम हॉट बार पे क्लिक करते हैं तो हम खुद ही खा रहे हैं की बोल, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करे क्या करे। हाँ गाइस एक और टिप, जब आप उसको पैसिव टेम कर रहे हो तो आपको छलांग लगाने में, ये बताना भूल गया, मैं छलांग लगा रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा उसको कष्ट दोगे तो वो ज़्यादा जल्दी भूखा होगा, ज़्यादा जल्दी भूखा होगा तो ज़्यादा जल्दी वो कैरेट या फिर कीबल खाएगा पैसिव टेम में। लेकिन पता नहीं अभी तो वो कुछ नहीं कर रहा है। तो गाइज हाँ, हमने वेट किया उसका अनकॉन्शियसनेस खत्म होने का और फिर से कॉन्शियस होने का, क्योंकि हमने सोचा कि वो जो लिखा था अनकॉन्शियस वाला वो ये होगा कि ये देखो गाइज ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारा मानना फिर से सही निकला। पहले थोड़े गलत थे कि अनकॉन्शियस होता है तब टेमिंग इफेक्टिवनेस 100 नहीं होता है, पर एक बार अनकॉन्शियस होने के बाद कॉन्शियस में आ जाता है, मतलब कि फिर से खड़ा हो जाता है, फिर उसकी टेमिंग 100% हो जाती है। तो गाइज हमने इस बार सूदिंग बाम भी हॉट बार में रखा था जस्ट फॉर ए ट्राई कि हम गाजर खिला रहे हैं उसकी जगह पे सूदिंग बाम खिला दे तो, और ये सक्सेसफुल भी रहा। मतलब कि पहली बार हम आए तो उन्होंने कहा, जैसे ही वो खड़ा हो गया हम बैठ गए उस पर, उन्होंने बताया डिलो कीबल, तो हमने खिला दिया, तुरंत बताया फीड वेट, ऐसा तीसरी लाइन लिखी हुई है कि यूज सूदिंग बाम, ऐसा मैंने सिर्फ यूज सूदिंग उतना पढ़ा वही क्लिक कर दिया, नहीं मतलब यूज सूदिंग बस, और आगे नहीं जाना है, हमारा काम हो गया। ये देखो ये अटक गया है। तो हाँ, हमने जैसे गाजर खिलाते हैं वैसे कीबल खिलाना है, जैसे कीबल खिलाया वैसे सूदिंग बाम उसको पिला दिया, तो 15x हो गया, और एक कीबल से 50% नहीं 40% हो गया उसका, और अभी अटक गया है। क्यों ऐसे छलांगे निकाल रहा था? तो फिर मैं उतरने वाला नहीं हूँ गाइस, नहीं मैं नहीं उतरने वाला, मेरे को 100% टेमिंग इफेक्टिवनेस में एक क्वेश्चन चाहिए, 100% टेमिंग इफेक्टिवनेस, दैट इज माई गोल। अगर मैं उतर गया तो थोड़ा सा भी इसमें कम होगा हम वो नहीं पसंद करेंगे, हमें 34 लेवल प्लस वाला ही चाहिए, हमें 3 डिजिट में इसका लेवल चाहिए जब वो हमारे हाथ में आए तब, तो वो हो जाएगा भी 104 एस्टिमेटेड है, देखते क्या होता है। तो ये देखो मैं कितने भी जंप कर रहा हूँ, कितना भी जंप किया मैंने ये हिल नहीं रहा है, आई थिंक मैं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे अटक के हो गया है तो वो उसका स्टेमिना भी कम नहीं होगा, और गाइस 21 का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, तो वी हैव टू वेट कि जब उसका स्टेमिना धीरे धीरे डिप्लीट होगा, जब उसको धीरे धीरे भूख लगेगी तो होगा, आई थिंक सो, देखते। क्रिकेट साउंड इन द बैकग्राउंड। ओके गाइस, तो जो लास्ट वाला वो भूखा हुआ लास्ट वाला कीबल हमने उसको खिलाया, तो थर्ड वाला आई मीन टू से, तो वो थर्ड वाला कीबल जैसे ही खिलाया तो कीबल जैसे उसने खाया तो उसका इमोट के लिए उसने सिर झुकाया तो वो निकल के नीचे गिर गया। मतलब क्या उतनी चीज़ तू पहले नहीं कर सकता था? तेरे में बहुत कुछ है लेकिन तेरे में बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि बादल। ओके गाइस, तो हम इसका नाम बादल रखेंगे क्योंकि हमने हेवन के गेट्स खोल के इसको बाहर निकाला है, और मैं इसे हेवन के गेट कहूँगा क्योंकि ये गेट खोल के कोई भी डायनो बाहर आएगा वो हेवन में आ जाएगा। मतलब ये डायनोज के लिए तो हेवन ही है ना, ये देखो यहाँ पड़े, उनको पहले ढूंढने खाना खाने ढूंढने जाना पड़ता था, फिर उनके एक बाहर रखते थे, अब कुछ नहीं, सब हम खिलाते उसको, ये हमारी जन्नत है, मास्टर मैलम। ओके गाइस, तो हमने आखिरकार रिक्वेस्ट टेम कर लिया है, आपको पता चल गया कैसे करना है, सूदिंग बाम और डिलो केबल हॉट बार में रखना है, और सिर्फ 2 केबल में हो जाएगा लेवल 70 का। मतलब सबसे पहले आप उसको सूदिंग बाम दोगे तो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले कीबल देना है, तो आप आई प्रिफर कि आप 10-15 कीबल साथ में लेके निकलो। और ये देखो गाइस, ये जो इक्वेस्ट पावर था हमारे इक्वेस्ट का था अराउंड 2 point something, ये मोबाइल एक्सक्लूसिव है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इक्वेस्ट पावर मतलब कि रेसिंग में ये किस हद तक है, तो उसके 4-5 ब्रीड है, 0-1, 1-2, 2-2.5, 2.5-3, तो ये हमारा 3 वाला है, तो आई थिंक लास्ट या लास्ट सेकंड में, और ये कुछ पिक्स है जो हमने बीच बीच में खींच लिए थे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ।